नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं मेजर ब्रिज का BBS कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक ड्राइंग सिलेक्ट की है जो हमारी हमेशा से एक ड्राइंग रही है मेजर ब्रिज की, स्क्यू वाली, 45 डिग्री में अलाइंड है। तो मैंने वो इसलिए ली है क्योंकि उसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर में वेयरिंग वाला रेनफोर्समेंट कैसे निकालना है, वेयरिंग वाले बाल का जो है आप जो कटिंग लेंथ है वो किस टाइप से निकालेंगे वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ये चूज़ किया है। तो जैसे कि आप माइनर ब्रिज में ले लें या बॉक्स कलर में ले लें, कोई भी वेरी वाला जो रेनफोर्समेंट है जो आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो आप यहाँ पे आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अगर ड्राइंग रीड करना नहीं आता है तो उसको पहले सीख लीजिए। उसके लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। तो अभी BBS बनाने से पहले हम लोगों को पहले थोड़ा ड्राइंग का मुआयना करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारे काम की हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा अबटमेंट और अबटमेंट की कुछ डायमेंशंस दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से लेके ये पोर्शन जो दिया हुआ है, ये राफ्ट है हमारा, ये बॉटम में है। और इसकी इधर से लेके इधर तक विड्थ दी हुई है 4 मीटर 700। और बीच में है ये वाल जो है, बिल्कुल बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 1500 है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन दिया हुआ है 3 मीटर 200। और फिर ऊपर में, फिर टॉप में देखिए, ये बॉटम की वाल है और आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का विड्थ जो है, ये डॉटेड लाइन इसलिए बना रखी है क्योंकि ये वाल जो है वो वेरी में है, नीचे चौड़ी है और ऊपर जाके और थोड़ी सकड़ी हो जाती है। तो ऊपर की विड्थ है इसकी 1 मीटर की। तो ये कुछ हमने इसके डायमेंशंस देख लिए हैं। और फिर और कुछ डायमेंशंस हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ भी देख लेते हैं। चलिए, लेंथ इसकी 19 डिग्री में 16 मीटर है। और इसको अगर स्क्यू में हम लोग लेंथ निकालें 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि ये अलाइंड है इसलिए यहाँ पे 16,000 डिवाइडेड बाय कोस 45 करेंगे तो 22,627 mm ऐसा कुछ आपका यहाँ पे इसका लेंथ आ जाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। अब ये देखिए, अब इसका एक सेक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शन में देखिए 4 मीटर 700 और 1500 और 3200। तो चलिए अब कुछ हम यहाँ पे लेवल्स भी नोट कर लेंगे। देखिए, वीडियो बहुत लेंथी होने जा रहा है इसलिए आप इसको जो है पूरा ज़रूर देखिएगा, आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप कुछ मिस करते हैं तो फिर आप कुछ बोलने का मौका मत रखिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आप अगर सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखते चलेंगे मेरे साथ में तो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसको मिस नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेवल्स नोट कर लेते हैं क्योंकि हमको हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमको एक वर्टिकल रेनफोर्समेंट की निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लेवल नोट कर लेते हैं और उसका डिफरेंस क्या आ रहा है वो निकाल के रख लेते हैं। तो देखिए, चलिए फाउंडिंग लेवल का क्या हो गया, यहाँ पे कहें कि फाउंडेशन लेवल या कहें कि फाउंडिंग लेवल क्या हो गया, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए अबटमेंट का केप टॉप। हम यहाँ पे ले रहे हैं L1 का केस। L1 मीन्स क्या, लेफ्ट साइड की A1 साइड की अबटमेंट हम लोग यहाँ पे इस केस के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। तो उसका हम लोगों को केप टॉप चाहिए। तो सबसे पहले उसका केप टॉप नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं केप टॉप क्या होगा। तो यहाँ पे केप टॉप लिख के एंटर मारते हैं और केप टॉप यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कितना है, 423.274। तो 423.274 हम लोगों ने यहाँ पे इसका केप टॉप नोट डाउन कर लिया है। उसके अलावा हमको चाहिए फाउंडिंग लेवल। तो फाउंडिंग लेवल हम लोगों ने ले लेना है ड्राइंग से। तो फाउंडिंग लेवल हम लोग ड्राइंग से ले लेंगे। फाउंडिंग लेवल हमको दिया हुआ है यहां पे 411.859 हम लोगों ने ले लिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा है वो निकाल लेंगे हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारी अबटमेंट की हाइट हो जाएगी। तो 11 मीटर 415 हमारी अबटमेंट की हाइट होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइट यहाँ पे लिख दिया, अबटमेंट की हाइट क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे नहीं।
तो ये मेरी हो गई अब एडमिट की हाइट 11 मीटर 415। चलिए ये कुछ डेटा था जो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और अब हम लोग जो है BBS बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको BBS बनाना नहीं आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लें जो आपके ऊपर स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, उसको आप ज़रूर देख लें कि BBS कैसे बनता है, हम शेप्स जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं, एक्सेल शीट में कैसे बनाया जाता है। आप हाथ से ड्रॉ करना चाहते हैं हाथ से कीजिए, अगर आप नए हैं आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, MS एक्सेल चलाना नहीं आता है, तो आप लोग उसको हाथ से ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। हाथ से करने वाले आदमी को एक्सेल चलाने में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब BBS बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग में अब छानबीन करेंगे। ये तो हम लोगों ने छानबीन कर ली और कुछ डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया जो हम लोगों को चाहिए होगा। अगर हम लोगों को कुछ और डेटा भी चाहिए होगा तो वो भी हम लोग देखते रहेंगे बीच में, हम लोगों को अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो भी चीज़ें हम देखते रहेंगे बीच में। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए हमारा BBS का ड्राइंग आ गया है और यहाँ पे कुछ बार मार्क्स जो है मेंशन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 3 ऐसे करके जो है बहुत सारे बार मार्क्स हैं। और तो हम लोगों को पहले इसका शेड्यूल देखना पड़ेगा, ड्राइंग में क्या शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को शेड्यूल बनाना पड़ेगा, किसकी कटिंग लेंथ क्या आ रही है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमारा बार मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर का बार मार्क और यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है। टॉप एल जो है वो 300 mm का है और बॉटम वाला एल जो है वो 300 mm का है, और हम लोगों को ये हाइट चाहिए। हम लोगों को दो चीज़ें तो अवेलेबल है लेकिन हम लोगों को ये हाइट चाहिए। 16 mm का डाया है, 100 mm की स्पेसिंग है। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं BBS में यहाँ पे उतार लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है हर चीज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे उतारी हुई है ये चीज़ उतारी हुई, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि उस बार को क्या बोलेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए हमको कि हाँ हम लोगों ने इसकी लेंथ ये निकाली है। हम लोग जो है इजीली हम लोग सामने वालों को समझा सके उस हिसाब से एक बार का जो है डिस्क्रिप्शन लिख देना चाहिए। और 16 mm का डाया है, 100 mm की स्पेसिंग है, हम लोगों ने इतना डिटेल उतार लिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1, क्योंकि ये एक एक ही रो है, एक ही वाल है, एक ही वाल के अंदर एक ही बार मार्क है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स हम लोगों को निकालना है। 100 की स्पेसिंग आपके पास है, लेंथ अभी हम लोगों ने देखी थी 22 मीटर 627 mm, उसमें से आप कवर्स माइनस कर लीजिए और उसके बाद में उसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। आप उसमें +1 कर दीजिए तो आपके नंबर ऑफ बार्स जो है हमारे आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है और नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट 226 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 हमारा नंबर ऑफ बार जो निकल के आ जाएगा। इसकी कटिंग लेंथ ठीक है, उससे पहले हम लोगों को ये वाली हाइट निकालनी थी अभी, तो ये वाली हाइट हम लोग निकालते हैं कि कितनी आ रही है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर वीडियो लेंथी बनता जाएगा तो मैं इस वीडियो को बीच में ही रोक दूंगा, कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो है 11 मीटर 415 की हम लोगों ने हाइट निकाली थी। तो 11 मीटर 415 में से अब आप लोगों को क्या क्या माइनस करना है वो देख लीजिए। एक तो नीचे वाला कवर माइनस करना है आपको, 075 का कवर है आपका, 075 मीन्स 75 mm का कवर है, और उसके अलावा आपका ऊपर वाला कवर है 0.040, तो ये आता है आपका आंसर आएगा 11 मीटर 300। लेकिन देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 11 मीटर 223 क्यों लिख रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें भी माइनस करी है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, मैं निकाल के देखता हूँ, 223 इन दोनों का डिफरेंस मैं निकाल के देखता हूँ आपको कितना आएगा। तो ये 77 mm का डिफरेंस क्या है, ओके ठीक है, वैसे 75 mm का डिफरेंस होना चाहिए था। मैंने 75 mm इसलिए माइनस किया है, या कह लीजिए 77 mm इसलिए माइनस किया है, वो मैं आपको ड्राइंग में बताता हूँ क्यों माइनस किया है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखेंगे कि ये जो रेनफोर्समेंट जो है हमारा, ये वर्टिकल बार जो है ये 1 नंबर बार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये 1 नंबर बार होगा, तो ये 1 नंबर बार हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे। तो इस अबटमेंट केप का भी कुछ रेनफोर्समेंट होगा, तो हम लोग इस रेनफोर्समेंट को यहाँ पे टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होगी। इसका हमको अबटमेंट कैप का जो है ड्राइंग देखना पड़ेगा थोड़ा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपका वर्टिकल बार इधर आ रहा है यहाँ पे टच कर रहा है
तो आप उसको ऊपर नहीं निकाल सकते हैं, आपको उसको इसके नीचे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिंग्स जो हैं ये लगाने में प्रॉब्लम होगी, प्लस आपका फिर बाइंडर आएगा, तो इन सभी चीज़ों से आपको उसको नीचे रखना पड़ेगा। तो मैंने ओवरऑल क्या किया कि 75 mm उसको नीचे कर दिया है। वैसे 16 mm की रिंग है और 20 mm का जो है हमारा ये बाइंडर है इसका, तो 16 + 20 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 mm ये हो गया। और कुछ हम लोगों ने ले लिया कि मान लीजिए बाई चांस हमारा किसी वजह से ऊपर नीचे हो जाता है रेनफोर्समेंट, तो उसके लिए। और एक और चीज़ हम लोगों को बॉटम में देखना पड़ेगा, ये देखिए हम लोग यहाँ पे जब रेनफोर्समेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन बार जब लग जाएगा, मेन बार के ऊपर बाइंडर आएगा, बाइंडर के ऊपर ये 300 mm का LM को लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्टर्स मान के हम लोगों को कुछ डिडक्शंस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको देखना चाहिए। आप ये इसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ये महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये 32 डाई का स्टील है और इसको छोटा करने में बहुत दिक्कत आती है, और छोटा करना कोई अलाउ करता नहीं है। इसलिए आप परफेक्ट बनाने की चीज़ों को सोच समझ के बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट BBS बनेगा। तो मेरा क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नीचे से माइनस करता हूँ वो भी देख लेता हूँ कि कितना मेरा माइनस हो रहा है। तो ये 12 mark क्या था, 12 mark देखते हैं सबसे पहले। तो 13 और 14, तो 13 और 14 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 12 mark 13 और 14 क्या कह रहा है। और ये देखिए 13 हमारा बोल रहा है कि ये 20 mm डाया का स्टील है, और बार नंबर 14 बोल रहा है कि 16 mm। तो 20 और 16 वापस से 36, 36 × 36 हो गया 72 mm। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको जो है कुछ चीज़ें इसमें रिडक्शन करनी पड़ेगी हाइट में, तभी जाके आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आप बॉटम के कवर माइनस करके, ओनली बॉटम के कवर माइनस करके और यहाँ के कवर माइनस करके आप लोग निकालेंगे, तो होता क्या है कि जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली जो है स्टील इसके बराबर से नहीं लगता है, आपको बाइंडर के ऊपर स्टील को चढ़ाना पड़ता है। तो आपका ऑलरेडी 36 mm तो वो माइनस हो गया वहाँ से, तो 36 mm आपका हाइट हो गया, तो ऊपर में आपका कवर जो है वो जीरो मिलेगा, है कि नहीं। आपको जीरो कवर नहीं करना है, आपको कुछ कवर रखना है, ठीक है। ऊपर से भी आपको ये चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, 36 mm 36 mm 72 mm आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे वो रिंग लग पाएगा अबटमेंट का, और अच्छे से जो है उसका एग्जीक्यूशन होगा। क्योंकि 32 डाएगा स्टिल हम जब यहाँ पे कास्ट करते हैं तो उसको मूव करना मुश्किल होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। खैर मैंने तो 77 mm माइनस किया है, आप चाहें तो 100 mm भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, बट ज़्यादा वेरिएशन ना लाएं उसमें तो अच्छा होगा। बस आपका 20, 25, 30 mm या 50 mm का गैप रहे आपकी अबटमेंट कैप की रिंग के और इसके बीच में, इतना गैप रहे बस उतना कीजिए, वो काफ़ी है। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ इसकी हाइट निकाल ली है, 11 m 223 mm, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी हमारा रेनफोर्समेंट है 2 नंबर का। 2 नंबर का रेनफोर्समेंट देखिए, ये वाला यहाँ पे रहा 2 नंबर का रेनफोर्समेंट, और जो वर्टिकल हाइट 1 की आई है वही 2 की आ जाएगी, ठीक है। खैर ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्लोपी है, इसलिए आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालें इसकी वर्टिकल हाइट तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा क्योंकि एंगल जो है बहुत कम है, तो इतना कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इसका 11 m 223 लेंथ दोनों का लिख लिया है, वो सेम ही लिख लिया है, ठीक है। अब 12 mark 2 भी हम लोगों ने देख लिया है, और 12 mark 3 की तरफ बढ़ते हैं। 12 mark 3 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, सॉरी 12 mark 3 नहीं, उससे पहले 12 mark number 2A आता है। तो 2A नंबर का 12 mark क्या है, 2A नंबर का 12 mark वापस से हम लोगों को देखना पड़ेगा। 2A का 12 mark शेप वगैरह आप ड्रॉ करते रहिएगा, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे शेप जो है आपको ड्रॉ करने हैं। आप जैसे जैसे BBS बनाते जाएंगे, आप जैसे जैसे 12 mark नेक्स्ट 12 mark पे जो है आप मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे उसका शेप ड्रॉ आपको करना ही पड़ेगा, वो तो आपको समझना पड़ेगा। वो तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप लोगों को BBS बनाना नहीं आता है तो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें आप लोगों को ये बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया गया है कि BBS जो है कैसे बनाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका शेप है 2A का, और 2A का शेप, 2A का 12 mark देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे लगाया गया है। तो 2 and 2A, ओके 2A ये लगाया हुआ है, ये 2A और 2A यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे एंड हो रहा है 2A, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ LD करके, और यहाँ से लेके ये LD करके मीन्स क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ है, मीन्स मिड हाइट से डेवलपमेंट लेंथ जो है, मीन्स मिड हाइट से कितना ऊपर हाइट हो रहा है वो डेवलपमेंट लेंथ आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उसको कैसे निकाला जाता है।
देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे BBS में गलत हो, आप माइंड मत कीजिएगा, आप अपना निकालिए और आपका क्या आता है, आप अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा वाला सही है और मीन्स मेरे BBS में गलत है, तो आपका वाला हो सकता है कि सही हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, क्योंकि हम लोग क्या स्पीडली BBS बनाते हैं, एग्जीक्यूशन में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को BBS फटाफट बनाना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, तो कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, बट इतनी मिस्टेक्स जो हैं अलाउ है। अब देखिए मेरा 7 मीटर 185 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये LD दी हुई है, तो अब LD क्या है, LD होती है डेवलपमेंट लेंथ, मैंने आप लोगों को बताई है, और यहाँ पे अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है वो पता चल जाएगी। तो आप नोट नंबर 9 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लिख रखी है, डेवलपमेंट लेंथ शेल बी 40 टाइम्स डाया बार, मीन्स डाया बार की 40 टाइम्स आपको डेवलपमेंट लेंथ जो है लेनी है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइट क्या है, हाइट हमारी हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पे आ रही थी 11 मीटर 415, तो इसको डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं हम लोग तो क्या आती है वो भी देख लेते हैं निकाल के कि उसकी हाइट क्या आती है। तो ग्यारह 415 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आती है 5 मीटर 708। तो 5 मीटर 708 तो मेरी ये लेंथ हो गई 5 मीटर 708, प्लस मेरा डाया क्या है, मेरा डाया देख लेता हूँ मैं, BBS में कितना दिया हुआ है, 2A का डाया, 2A का डाया दिया हुआ है 32 mm, तो प्लस इसमें प्लस 32 × 40, क्या गलत हो गया, 11415 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 5 मीटर 708, तो 32 × 40 प्लस 5 मीटर 708, ये मैंने जोड़ा तो ये आता है 6 मीटर 988। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा ले रखा है, कितना ज़्यादा ले रखा है मैंने, मैंने लगा है 7 मीटर 185, तो 7 मीटर 185 के लिए मैंने कुछ इसमें देखिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है छोटी मोटी, हो सकता है कि यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने में हम लोगों को कुछ डेटा मिस हो रहा हो, लेकिन ये हमारा कुछ लगभग इसी तरीके से आएगा। अब देखिए मिड हाइट हम लोगों ने निकाली थी अभी, 11 मीटर 415 की मिड हाइट क्या हुई, तो हम लोगों ने निकाल के, और सॉरी उसमें एक चीज़ हम लोग माइनस करना भूल गए, 75 mm हम लोगों को माइनस करना चाहिए था, और जितना हम लोग हमारा 300 mm जहाँ से स्टिल चालू हो रहा है वो हम लोगों को माइनस करना चाहिए था, तो वो माइनस करने के बाद में हमारी क्या हाइट बनती है, मिड हाइट तो हम लोगों ने, मैंने आपको बता ही दिया कि मिड हाइट कैसे होगी, यहाँ से लेके इस साइज़ का डिफरेंस क्या हो गया वो डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 2 करेंगे तो मिड हाइट आ गई हमारी। मिड हाइट से हम लोगों को कितना ऊपर जाना है, 32 × 40 mm हम लोगों को ऊपर जाना है, तो यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या आ रही है वो निकल के आ जाएगी, और हम लोगों का जो है 2A वाला जो है स्टिल वो यहाँ पे परफेक्ट निकल के आ जाएगा। हो सकता है मेरे कुछ मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा हो, वो तो इसको माइंड मत कीजिएगा, आप बना सकते हैं अपना आराम से और निकाल सकते हैं। और 4 नंबर स्टिल वापस से क्या हो गया, 4 नंबर स्टिल में देखता हूँ, 4 नंबर स्टिल कहाँ पर, ये देखिए मेरी 4 नंबर स्टिरअप्स जो है यहाँ पर दी हुई, स्टिरअप्स की मेरी 4 नंबर यहाँ पर दी हुई है, किस टाइप से, ये इस टाइप से मेरी यहाँ पर 4 नंबर की स्टिरअप्स दी हुई है, लेकिन उससे पहले सॉरी 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 ये 4 नंबर बार नहीं है, ये बार है यहाँ पे 3 3A, मैं सॉरी यहाँ पे सीरियल नंबर देख रहा था इसलिए मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, तो बायोमार्क है मेरा 3, तो 3 वाले बायोमार्क का मेरा वर्टिकल ये देखिए ये यहाँ पे फेस पे लगा हुआ है, 3 नंबर का वर्टिकल फेस पे, मीन्स क्या ये जो अबटमेंट का फेस है इस पे लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस फेस पे किस टाइप से जो है वर्टिकल लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें ड्राइंग में, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पे 2 × 8 नंबर्स दिए हुए हैं, मीन्स दोनों फेस पे जो है 8 8 नंबर्स आपको लगाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले फेस पे भी यहाँ पे 8 नंबर्स लगाने पड़ेंगे आपको, इस वाले फेस पे भी 8 नंबर लगाने पड़ेंगे, तो उसका डाया क्या दिया हुआ है, 16 का डाया है, और 2 × 8 मुझे यहाँ पे टोटल मिला के 16 बार जो है मुझे इस कटिंग लेंथ के यहाँ पे काटने पड़ेंगे, 11 मीटर 223 की कटिंग लेंथ है ये, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है कि कैसे आएगा। उसके बाद आती है स्टिरअप्स की बात, स्टिरअप्स कैसे निकालेंगे, और पहली बात तो हो गई 4 4 mm, हमारा बायोमार्क नंबर 4 हो गया, तो बायोमार्क नंबर 4 यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए स्टिरअप्स दिखाया गया है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक स्टिरअप्स की
जो लेंथ क्या होगी। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सबसे पहले हम 1500 की निकालते हैं कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमारी 1500 की, 1500 में से मैं 75 mm माइनस और 40 mm माइनस, देखिए नोट्स पढ़िएगा आपको कवर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 1385 डिवाइडेड बाय, मैं करता हूँ उसको कॉस 45, तो कितना आता है 0.707 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आता है लगभग 1960 के आसपास या 1958 के आसपास मेरा ये यहाँ पे इसका आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2015 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का कोस 45 से माइनस कर दिया। देखिए मैं 1500 के हिसाब से करूँगा, अगर मैं 1500 डिवाइडेड बाय 0.707 करता हूँ तो 2121 आता है। मैं इसमें से 40 mm कवर माइनस 75 mm कवर माइनस करता हूँ तो 2006 के लगभग मेरा यहाँ पे निकल के आता है। तो ये देख लीजिए 2015 प्लस मैंने यहाँ पे कुछ हो सकता है मैंने जोड़ा हो 20 mm को, स्टील जोड़ा हो मैंने, क्योंकि फेस से जो है 20 mm मेरा स्टील निकलेगा, जो मेरा एक राउंड मारेगा यहाँ से जो ये स्टील राउंड मारता है तो 20 mm ऑफसेट छोड़ जाता है, वहाँ पे कवर कम हो जाता है, इसलिए मैंने जोड़ा होगा इसको। वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ गलतियाँ यहाँ पे आपको दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि ये स्पीडली वर्क किया गया है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ आपको दिखेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको आएगा यहाँ पे। तो आप जैसे मैंने ये निकाला 1500 का लेके 1500 माइनस 75 माइनस 40 करके मैंने निकाला 1385 डिवाइडेड बाय 0.707 करके, तो मेरा 1958 करके और कुछ आया। 1958 में मैंने शायद 20 + 20 mm 40 mm जोड़ा होगा, तो ऐसा करके 1998 जो भी आया हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आप निकाल सकते हैं अपना जो आपका आता है वो परफेक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही 1308 निकालने के लिए मैं मुझे ऊपर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा 1 मीटर का, ये मेरा 1500 यहाँ पे था तो मेरा 1 मीटर यहाँ पे कितना बन रहा है उस हिसाब से मेरी लास्ट वाली रिंग जो है यहाँ पे आएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं दिया हुआ ये एरो का जो निशान दिया हुआ है, यहाँ से 300 mm नीचे से लेके और यहाँ तक दिया हुआ है, मीन्स यहाँ तक आपको 1 मीटर की विड्थ आपको मिलेगी। तो 1 मीटर में से आप 40 mm माइनस 75 mm कवर माइनस करके और निकाल सकते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये मेरा अभी यहाँ पे 1251 आ रहा है, तो 1251 यहाँ पे मैंने 1308 लिख रखा है, मैंने मेरी कुछ कैलकुलेशन मैंने की होगी उस हिसाब से लिख रखा होगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे BBS बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये वापस से हो गई आपकी रिटर्न वाल यहाँ पे चालू होती है। रिटर्न वाल के लिए आपको रिटर्न वाल डिस्ट्रीब्यूशन बार अप टू अबटमेंट कैप, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है। बारमार्क नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है बारमार्क नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए बारमार्क नंबर 5 मुझे दिख रहा है, ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ पे दौड़ा हुआ है, मीन्स क्या है, ये एक बाइंडर है, इस वाले वर्टिकल का बाइंडर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वेरी यहाँ पे क्यों बना रखा है मैंने, ये देखिए यहाँ पे कुछ वेरी टाइप बना रखा है मैंने, तो क्यों बना रखा है, देखिए ये 5 वाला स्टील जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला जो वाला 5 वाला बार है यहाँ से लेके ऐसे जाएगा और ऐसे करके और ऐसे लगा हुआ है 5 नंबर, तो सबसे नीचे से लेके और सबसे ऊपर तक हमारा जो है अबटमेंट जो है वेरी, क्योंकि स्लोप में बना हुआ है तो स्टील को हम लोगों को वेरी में काटना पड़ता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है स्टील और उसको अगर BBS में हम लोग देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है और फिर लास्ट वाला स्टील जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी में लगा हुआ है। तो इस साइड तक जितने भी बार आते हैं हम लोग उसको निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स, तो आप स्पेसिंग से निकाल सकते हैं कि कितने आएंगे, और उसके अलावा आपके बार मार्क दिए हुए उस हिसाब से आपकी वेरी की लेंथ कितनी आएगी वो लोग आप यहाँ पे, मैंने शुरू शुरू में आपको डायमेंशन बता दिए थे, उस हिसाब से आपको किस टाइप से निकालना है उस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। तो फिर अगला बार फिर आता है 5A कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, ड्राइंग देखना है और सीधे सीधे बनाते जाना। देखिए 5A यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये बार मार्क कुछ छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग फुल लेंथ लेके हमें जो भी हमारी लेंथ आ रही थी वो लेके चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे डर्ट वाल में जाना चालू हो गया स्टिल, तो हमारा जो 5A जो है बार वो हमारा डर्ट वाल से लेके और जो हमारी रिटर्न वाल यहाँ तक बनी हुई एंड तक उसमें जाके और
जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बिल्कुल बनेगा। तो 5 है हमारा ये स्टील हो गया, इसकी लेंथ भी आप इजीली निकाल सकते हैं कि कैसे आएगी। और फिर आते हैं हमारा 6, और 6 है ये देखिए, ये भी अगले फेस के जो हमारे रिटर्न वाल के रेनफोर्समेंट है सेम है, बस इनका एल चेंज हो गया है। आप एल ड्रॉइंग में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से। तो फिर आते हैं हम वर्टिकल बार पे, वर्टिकल बार देखिए 7 नंबर का जो बार दिया हुआ है वर्टिकल, हम लोग देखते हैं कैसे। ये देखिए 7 नंबर का बार दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, 7 नंबर का बार। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका हाइट जो है बिल्कुल रिटर्न वाल का यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे कोई आपकी रिटर्न वाल नहीं है, यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 7 नंबर का जो है बार हम लोगों को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा इस फेस पे ये वाला जो बार, हमारा 3 वाला जो हम लोगों ने बार देखा था वो लगा ही हुआ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे रिटर्न वाल जो है अबटमेंट के इसी इसी साइड में हम लोगों को ये रिटर्न वाल का जो वर्टिकल जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से जो है यहाँ पे 7 नंबर हमारा बार मार्क आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 8 भी है रिटर्न वाल का ये। और अब आते हैं राफ्ट में, देखिए मैं आपको इसकी वाला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को डिटेल में नहीं समझनी है, हम लोगों को बस एक आइडिया चाहिए कि हम लोगों को निकालना क्या है। तो बारमा क्या है हमारा, बारमा के हमारा 9, और राफ्ट टॉप मेन बार है, 32 DI का स्टील है और 200 mm का स्टील है। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी 9 नंबर बार कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर बार दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डैश 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 देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये इस कॉर्नर तक आपको यहाँ पे बार लगाना है, और फिर ये इस कॉर्नर तक आपको बार लगाना है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो आपका रेक्टेंगल पोर्शन है उसमें आपको ये बार लगाना है, मीन्स वेरी वाले को छोड़ के और उससे पहले जो भी है उसमें आप लोगों को ये बार लगाना है। तो अब देख सकते हैं आपका 90 डिग्री में, तो वेरी नहीं करेगा, तो आपका 9 मीटर 250 आपका विड्थ निकल जाएगा। आप उन सब चीज़ों को जो मैंने आपको ड्राइंग में बताए थे डायमेंशन, उन सब चीज़ों को जोड़ेंगे, उसको करेंगे, तो आपका 9 मीटर 250 का आपका ये लेंथ निकल के आएगा। प्लस 1 1 मीटर का उसमें दिया हुआ है हम लोगों को एल, तो हम लोगों ने 1 1 मीटर यहाँ पे एल यहाँ पे पुट करके और एक डायमेंशन बना के हम लोगों ने और सारी कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ बार भी हम लोगों ने निकाल लिए। किस टाइप से निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास में लेंथ क्या है पूरी 22 मीटर 627 है, और आपकी ये जो आ गई है वो 9 मीटर और 250 आई है। तो 9 मीटर 250 अगर ये है तो 45 डिग्री का एंगल है, तो 9 मीटर 250 ये भी होगी। तो 22 मीटर 627 में से 9 मीटर 250 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से लेके ये जो आपका ये डैश डैश पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक आपको बची हुई लेंथ आ जाएगी। तो उसमें आप डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो आपके, और प्लस 1 करेंगे उसमें, तो आपके 9 नंबर बार के नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद आता है 9A, 9A राफ्ट टॉप मेन बार वेयरिंग पोर्शन। तो ये टॉप में ये देखिए 9 जो है वो टॉप में है, और इसका जो वेरी वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है क्योंकि प्लान सेक्शन में हम लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लान में बताया गया है कि 9A वाला किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके एरो यहाँ तक बताया गया है, कहने का मतलब क्या है कि एज तक है बिल्कुल, तो आप एज यहाँ तक लेके चलेंगे, बिल्कुल यहाँ तक लेके चलना पड़ेगा आपको एज को। जैसे कि आप उधर देख सकते हैं उस साइड में भी आप लोग देखेंगे तो 9A कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आपकी एज दी हुई है वहाँ तक 9A जा रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किस हिसाब से की हुई है कि 650 मीन्स एक एक्सेप्टेबल हमारी लेंथ रहनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम लोगों को लास्ट वाला जो हमारा रेनफोर्समेंट जो हमारा बार आएगा वेरी वाला वो हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब हम 0 से लेके, और 0 से तो वेरी स्टार्ट कर सकते नहीं है, अब हम 0 से तो वेरी स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, और 200 से भी करेंगे तो बहुत छोटा एल होगा। आप देख सकते हैं 200 आप देखेंगे नाप के तो कितना छोटा एल होता है। तो हम लोगों को एक ऐसी स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से हमारा जो एल एक सिग्निफिकेंट हमारा यहाँ पे हमारा लेंथ बन जाए। तो हम लोगों ने 650 लिया था लास्ट वाला, तो उस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ बार्स कितनी आती है वो निकल जाएंगी। तो 650 आपकी, अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ इस कॉर्नर से मैं अगर 650 लूँ, तो अगर मेरा ये बार यहाँ पे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है मेरा एक बार 650 mm वाला वेरी वाला, देखिए वेरी वाला कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके ये देख सकते हैं आप डैश वाला यहाँ से लेके और इस कॉर्नर तक, लेकिन लगाना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग 650 लगाएंगे। तो अगर ये 650 है तो ये भी 650, और ये हमारा 9 250 था, तो 9 250 में जो 650 माइनस करेंगे तो कितना आता है वो निकाल लेंगे।
एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा मेन बार हम लोगों ने यहाँ तक लगा लिया 9 नंबर, इसलिए यहाँ से एक छोड़ के ही हम लोगों को बार लगाना पड़ेगा, है ना। तो वेरी वाला कैसे निकालेंगे, अब देखिए आप यहाँ पे ये था पहला हमारा 9250, तो 9250 था, तो 9250 में से 200 स्पेसिंग हम लोगों को यहाँ पे आएगी पहली वाली की, हम लोगों को स्पेसिंग तो वही बरकरार रखनी है क्योंकि 9 से आगे फिर उसकी 9A की स्पेसिंग चलेगी, तो उन दोनों के बीच में 200 mm की गेप आएगी। तो फिर वही बात होगी कि 45 डिग्री के एंगल पे अगर आपका ये स्पेसिंग 200 है तो वर्टिकल कितना होगा, 200 ही होगा। तो यहाँ से ये शिफ्ट कितना होगा 200 mm पे, 200 mm, 45 डिग्री का एंगल है, तो आपको 9 मीटर 250 में से 200 घटाएंगे तो आपका 9050 आ जाएगा। तो आपकी पहली वाली लेंथ जो होगी आपकी 9050 हो जाएगी, और इसी तरीके से 650, तो 9000 और 650 के बीच में कितने रेनफोर्समेंट आते हैं आप निकाल लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आता है राफ्ट टॉप मेन बार एट एज, एज का जो है आपका मेन बार एट एज कौन सा हो गया, आप देख सकते हैं 13C था मेरे ख्याल से, वो क्या है, सॉरी 9A और 9B, 9B एट एज, एट एज वाला कौन सा हो गया आप देखेंगे, यहाँ पे 9B आपको रेनफोर्समेंट दिखा रखा होगा, ये देखिए 9B कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए डैश 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 करके और यहाँ तक ला रखा है, मींस जो है और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, और उसकी लेंथ हमको दी हुई 4 मीटर 700, तो 4 मीटर 700 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो वहाँ तक हमारे ये बार्स आ जाएंगे, और 9B क्योंकि इसक्यू में लगा हुआ है तो हमको 9250 डिवाइडेड बाई कोस 45 करना पड़ेगा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इतना सा काम हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आता है 10 नंबर बार, राफ्ट टॉप कर्टल बार। अब कर्टल बार क्या होता है, 10 नंबर का बार मार्क अगर हम लोग देखें, ये देखिए 10 नंबर का बार मार्क इधर से आ रहा है और यहाँ पे फिनिश कर रहा है डेवलपमेंट लेंथ पे। डेवलपमेंट लेंथ हम लोगों ने देख ली है कि 40 times into डाया होगी, तो डाया क्या है 10 mm का, 10 mm का डाया 32, तो 32 into 40 करके हम लोग की जो भी डेवलपमेंट लेंथ आएगी उसको हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या लेंथ आ रही है उसमें जोड़ेंगे तो हमारी लेंथ निकल जाएगी, तो हमारी ओवरऑल लेंथ निकल के क्या आती है 7 मीटर 405 mm, ठीक है। उसी टाइप से वेरी वाले रेनफोर्समेंट की किस टाइप से आएगी वो भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कहीं पे 705 आएगा, यहाँ पे 705 क्यों आया, आप देखिए एक्स्ट्रा बार है, एक्स्ट्रा बार किस टाइप से लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चीज़ें मैं फटाफट बता रहा हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन आप वीडियो को जो है रिपीट में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए मेरा यहाँ पे 10 10 नंबर बार मार्क हो गया मेरा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 10 मार्क 10 नंबर। अब देखिए दोनों मेन बार के बीच में ये एक्स्ट्रा बार लगता है, हम लोगों को पता ही है, तो हम अगर मेन बार के बीच में एक्स्ट्रा बार लगाएंगे, देखिए जैसे मेरा ये यहाँ पे ये डैश 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 वाला मान लीजिए कि यहाँ पे मेन बार है, तो एक एक्स्ट्रा बार तो यहाँ पे बीच में लगेगा, तो ये जो बीच वाले जो हमारे एक्स्ट्रा बार हैं ये तो हमारे 10 हो गए। उसके अलावा हम लोगों को फिर चलना है 10A, 10A कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक वेरी कर रहा है, सबसे छोटा वाला रेनफोर्समेंट हम लोग निकाल सकते हैं, तो कहाँ तक वेरी करवाना है हमको पता चलेगा। वो 705 आ रहा है हमारा, हम लोगों ने देख लिया है, तो आ कैसे रहा है एक्चुअली वो देख लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ से इसके बीच में आएगा तो 200 mm की स्पेसिंग है, तो अगर ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में है तो अगला वाला यहाँ पे आएगा, इस वाले से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 100 mm का, जो हमारा 9 वाला रेनफोर्समेंट है 9 वाला बार जो है उससे 100 mm का हो जाएगा। तो अगर 100 mm का हमारा होता है तो कितना हो गया, 100 mm का हो गया, तो हम लोगों को ये वेरी वाला कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो हमारा वेरी जो शुरू होगा वो 100 mm कम से होगा, तो हमारी जो इसकी हाइट है वो 60 मीटर 405 से सीधे 7 मीटर 305 हो जाएगी, क्योंकि 100 mm ही कम करना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग 100 mm ही तो गए हैं कॉर्नर से, 90 डिग्री कॉर्नर से हम लोग 100 mm ही गए हैं, इसलिए हम लोगों को 7 मीटर 305 आएगा, 100 mm माइनस होगा। तो अगर ये 705 आया, 7 मीटर 305 आया, तो उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटी वाली कौन सी आई। अब आप लोग जो लास्ट रेनफोर्समेंट निकालेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कितनी आएगी सबसे छोटी, है ना, आप अगर वेरी करते चलेंगे तो उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे इस टाइप की आपको वेरी में जो आपको देखने की मिलेगी। तो उस टाइप से फिर राफ्ट टॉप कर्टल बार एट एज कितना हो जाएगा, 7405 डिवाइडेड बाय कोस 45 करेंगे तो 10473 के आसपास कुछ आपका निकल के आता है। राफ्ट टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आप निकाल सकते हैं इजीली, और राफ्ट टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार
टॉप पोर्शन और हील पोर्शन आप इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ वापस से। देखिए अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो राफ्ट बॉटम मेन बार आ जाता है और राफ्ट बॉटम फिर कटल बार आ जाता है, कटल बार का वही सिस्टम लागू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 13 में क्या बता रखा है, ये देखिए 13 में का क्या बता रखा है, ये इधर से बता रखा है, हमारा 10 जो था वो इस टाइप से था, इधर से इधर 13 वाला हमारा उस साइड से आएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं, और उसमें हम लोगों को डेवलपमेंट लाइन जो है जोड़ देना है और हमारा यहाँ पे निकल के और डेटा आ जाएगा, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर राफ्ट फेस डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है आप देखेंगे ड्राइंग में, तो 13C ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है 13C। और यहाँ पे अगर आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे देखिए राफ्ट में फेसेस पे जो है 13C का हमारा बार लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे आप तो 13C देखिए कैसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है और इसका एल आ रहा है इस साइड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं राफ्ट में ये 13C यहाँ से लेके ऐसे आएगा, ये 13C का एल हमारा इस टाइप से आएगा, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी निकालने में, इजीली निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। आपको दिया हुआ है 60 मीटर 460 आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, आपको निकालना है ओनली ये लेंथ, आप निकाल सकते हैं इजीली, डिवाइडेड बाय कॉस्ट जो हमारा 22627 है उसमें से आप 150 mm को और माइनस कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा सीधा सही हिसाब है, ठीक है। उसी टाइप से आपका राफ्ट बॉटम मेन बार हो गया है और उसके बाद में उसका राफ्ट बॉटम का कर्टेल बार हो गया, ये भी देख लिया हम लोगों ने, कर्टेल बार देख लिया। और राफ्ट बॉटम मेन बार वेयरिंग पोर्शन में क्या आएगा, 13D वेयरिंग पोर्शन और 13E राफ्ट बॉटम मेन बार एट एजेस क्या आएगा वो भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और उसी टाइप से कर्टल बार एट एजेस क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लिंक बार सेम वैसे ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है जैसे कि हम लोगों ने रिंग 4 नंबर बार मार्क की जो रिंग हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी वैसे ही करना है उसको कैलकुलेट, और वेरी वाला सिंपल निकाल लेना है और हाइट किस किस हाइट पे कितना कितना वेरी हो रहा है वो यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक आप वेरिएशन निकालेंगे तो आपको निकल के और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अबटमेंट केप का डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें एक ही बता दी, ये मैंने अबटमेंट केप का आ गया अब तो, ये तो अबटमेंट केप का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, अबटमेंट केप का मैं आपको बाद में बताऊँगा, कुछ चीज़ें जो ये यहाँ पर लेंदी हो जाएगी। देखिए जैसे रिटर्न वाल का जो हमारा वर्टिकल बार है, रिटर्न वाल का किस टाइप से दिया हुआ है ये भी आप देखेंगे यहाँ पे, आप वहाँ पे जब 26 नंबर बार मार्क देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से शीयर लिंक बार मैंने आपको निकालना बताया था, लिंक बार का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिंक बार का जो हमारा प्लेसमेंट होता है किस टाइप से होता है और उसके कैलकुलेशन किस टाइप से होती है। ऊपर लिंक आ रहा है आप जाएंगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आप लोगों को लिंक बार की कैलकुलेशन करना है और किस टाइप से आप कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। रिटर्न वाल का भी कैलकुलेशन लिंक बार का सेम ही है जैसे उसका है, बस आपको निकालने का तरीका एग्जैक्ट आना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन बार इन हंच, जो हंच में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल बार जो लगेगा वो उसके लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को हंच की कैलकुलेशन करनी नहीं है क्योंकि हंच का जो हम लोगों को बार यहाँ पे दिया हुआ है सीधा वाला 1225 mm का लेंथ दिया हुआ है, इसलिए हमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इसमें, जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा मेजर ब्रिज का BBS बनके ख़त्म होता है। अब देखिए इधर पेडेस्टल्स आ गए हैं, पेडेस्टल्स वगैरह जो भी अबटमेंट केप की चीज़ें आ गई है, तो अबटमेंट केप के BBS जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो वीडियो को अब ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, काफ़ी है मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आप लोगों को BBS बनाना है। तो ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नहीं, 4 बार ट्राई कीजिए, 6 बार ट्राई कीजिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ट्राई कीजिए। एक बार आप लोग प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे ना तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, वो अपने आप समझ में आने लग जाएगी चीज़ें, ऐसा कुछ आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। तो हमने इसमें जो है इस वीडियो में हम लोगों ने मेजर ब्रिज का BBS अबटमेंट का कैसे बनाया जाता है सीखने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोगों को कर लेना चाहिए,
सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे सीखने के लिए जो आपने शायद साइट पे नहीं सीखे होंगे, और सीनियर्स जो है आपको सिखाते नहीं होंगे ऐसी चीज़ें, आपको सीनियर्स जो है सिखाते नहीं होंगे। मेरे को पता है, मैंने भी काम किया हुआ है साइट पे, बहुत काम किया हुआ है मैंने, तो आप लोगों के मुकाबले हो सकता है कि आप, मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब आपका कितना है आप लोग जाने, लेकिन मैं तो बहुत काम कर लिया, अब 10 साल का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं कि कितना काम कर लिया होगा मैंने। तो मुझे पता है सीनियर्स कैसे सिखाता है कैसे सिखाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम भी नहीं मिलता है, खैर उसके पास में बहुत सारी बर्डन्स होती हैं, बहुत सारे साइड्स का बर्डन होता है, इसलिए वो नहीं सिखा पाता है शायद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती नहीं सिखाते हैं कि यार सीख जाएगा, क्या है सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, या सीखने दो इसको, बाहर में जाने दो, ये इसका करता रहेगा, कुछ करता रहेगा, मैं क्या करूँ सिखा के। और कुछ लोग को ऐसे भी सोचते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा मान बन गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सीनियर्स इसलिए सिखाते नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपका सीनियर यहाँ पे बना हुआ हूँ, और आप मेरे से चीज़ें सीखते रहिए, बिल्कुल सीखते रहिए, और मैं आपको यहाँ पे सिखाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और वहाँ पे अगर मेरे से सॉर्ट आउट होती है तो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होती है कोई चीज़ तो मैं वीडियो आपको बना के बता सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।